हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है कैसे इसका फॉर्मेशन होता है ये जानने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आप जानेंगे हाउ अमीनो एसिड्स कम्बाइन टू तो फॉर्म पेप्टाइड्स तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो अमीनो एसिड्स लिए हैं ये जो लेफ़्ट में अमीनो एसिड हमने लिया है दिस अमीनो एसिड इज़ नोन एज ग्लाइसिन इसको बोलते हैं ग्लाइसिन एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज एलानीन नोन तो ग्लाइसिन एंड एलानीन आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद ऐसा कुछ कंपाउंड फॉर्म होता है आइए देखते हैं कैसे बनता है तो देखिए इस प्रोसेस में ये जो अमोनिया है ये जो NH2 ग्रुप है इसमें एन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और इस सामने जो कार्बन एटम है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस विल एक्ट एज़ अ न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बन विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल तो एन अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा जिससे एन और सी में एक बॉन्ड बनेगा और फाइनली यहाँ से किसको निकाल दिया जाएगा ओ एच नेगेटिव को निकाल दिया जाएगा ओ एच नेगेटिव जो रिमूव होगा वो इस एन एच टू के एक एच को भी निकाल देगा तो ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से ओ OH एच निकलेगा और एन एच टू से एक एच निकलेगा जिससे बन जाएगा C डबल बॉन्डो एन एच ये जो C डबल बॉन्डो एन एच है ये सिंपली एक अमाइड बॉन्ड है लेकिन ये वो स्पेशल अमाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज है जिससे क्या होता है जिससे दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं इस स्पेशल टाइप ऑफ अमाइड लिंकेज को हम क्या बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड सो गायज आई एम रिपीटिंग इट अगेन वट इज पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड वो स्पेशल अमाइड लिंकेज होता है जिससे दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं अब देखिए ये जो कंपाउंड हमने बनाया जो दो अमीनो एसिड से बना इस कंपाउंड को हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड ये जो नाम है डाइपेप्टाइड इस नाम को देख के ऐसा लगता है कि डाइपेप्टाइड ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर दो amine, जिसके अंदर दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे बट ऐसा नहीं है डाइपेप्टाइड मीन्स इट इज मेड अप ऑफ टू अमीनो एसिड्स ये बना है दो अमीनो एसिड से और दो अमीनो एसिड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा अब मानिए हमारे पास है ट्राइपेप्टाइड अब ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या है तो देखिए ट्राइपेप्टाइड का मतलब है इट इज फॉर्मड ऑफ थ्री अमीनो एसिड्स लेटेस से वो तीन अमीनो एसिड है ए बी एंड सी अब ये आपस में कनेक्ट ऐसे होंगे कि जैसे ए और बी आपस में कनेक्टेड है फिर बी और से आपस में कनेक्टेड है तो ए और बी आपस में कनेक्ट किस फॉर्म में होंगे ये बॉन्ड जो होगा ये कौन सा बॉन्ड होगा ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड नंबर वन एंड दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड नंबर टू इसका मतलब आपने देखा ट्राई पैप्टाइड में एक्चुअली कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे सिमिलरली मान लो हम बात करते हैं पेंटा पेप्टाइड टेक एग्जाम्पल ऑफ पेंटा पैप्टाइड विल बी फॉर्मड ऑफ फाइव अमीनो लेट अस से कि वो पांच अमीनो एसिड है ए बी सी डी एंड ई अब इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनाने पड़ेंगे चार तो आपने देखा जितना पेप्टाइड होगा उसमें से एक कम कर देंगे तो हमें पेप्टाइड बॉन्ड्स मिल जाएंगे इसका मतलब स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए मान लीजिए हमने लिया डेका पेप्टाइड तो डेका पैप्टाइड विल बी फॉर्म्ड ऑफ टेन अमीनो एसिड्स आउट ऑफ विच दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ नाइन पेप्टाइड बॉन्ड्स तो डेका पैप्टाइड में 9 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और 10 अमीनो एसिड उसमें आपस में कनेक्ट हो रखे होंगे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं ये जो डाई पैप्टाइड हमने बनाया था इस डाई पैप्टाइड का जो नाम है वो हम दो तरीके से दिखा सकते हैं एक तो इसका पूरा नाम इसका पूरा नाम होता है ग्लाइसिल एलानिन एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो जी एल वाई ए एल ए ये भी हम यूज़ कर सकते हैं यानी इसके हमने पहले तीन अल्फ़ाबेट लिए इसके भी पहले तीन अल्फाबेट लिए दिस कैन ऑल्सो बी यूज सो गाइज़ यू हैव लर्न पेप्टाइड बॉन्ड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अमाइड लिंकेज जिससे दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं ये जो स्पीसी बनती है जिसमें अमाइड लिंकेज होता है इसको बोलते हैं डाई अगर यहाँ पे पेंटा पेप्टाइड हो तो वो पाँच अमीनो एसिड से बनेगा अगर डेका पेप्टाइड है तो दस अमीनो एसिड से बनेगा जिसमें नो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल लर्न कि प्रोटीन होता क्या है वट इज़ प्रोटीन क्या वो भी एक तरह का पेप्टाइड होता है येस इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेप्टाइड बट वी विल सी कि वो कैसा होता है फिर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैस किस किस टाइप का होता है ओके गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू